लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई के कोपरखेरने पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे कुल 9 मोटरसाइकिल समेत 3,20,000 का माल बरामद हुआ है। मुंबई पुलिस जोन 1 के DCP सुरेश मेघड़े ने बताया कि सभी आरोपी पेशेवर हैं। इनसे पूछताछ में APMC पनवेल, तुरभे, रवाले और कोपरखेरने में बाइक चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। DCP सुरेश मेघड़े ने इस कार्रवाई पर कोपरखेरने पुलिस की सराहना करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कोपरखेरने पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे कुल 9 मोटरसाइकिल समेत 3,20,000 का माल बरामद हुआ है। आरोपियों के नाम रोहित दिलीप तूपे उर्फ चिक्किया, सिद्धार्थ केदार मौर्या और भूपेश भागीरथ मुकने बताए जा रहे हैं। जोन 1 के DCP सुरेश मेघड़े ने बताया कि सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और पूछताछ में APMC पनवेल, तुरभे, रबाले और कोपरखेरने पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। DCP सुरेश मेघड़े ने इस कार्रवाई पर कोपरखेरने पुलिस की सराहना करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुंबई जोन 1 इलाके में कुछ मोटरसाइकिल चोरी के इंसिडेंट्स हुए थे और इसीलिए हरकत में आके हमने एक जोन में दो डिवीजन में दो स्क्वाड्स बनाए। खबर मिलने के बाद उनकी इन्फॉर्मर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आने के बाद उन्होंने 3 गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रोहित तुपे, सिद्धांत मौर्या और भूपेश मुकने करके ये सारे 25 या 30 के एज गट के लड़के हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते। इसमें से एक वांटेड है जिसका नाम आकाश चौरे है, जिसका शोध कोपरखेरने पुलिस कर रही है। तीनों को इंट्रोगेशन के बाद उन्होंने टोटल 9 मोटरसाइकिल बाइक पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें कोपरखेरने पुलिस के 3 व्हीकल्स हैं, APMC पुलिस स्टेशन के 3, CBD रबाड़े और पनवेल शहर का 1। कुल मिलाकर 9 ऑफेंस का डिटेक्शन हुआ है और रिकवरी भी हुई है। कुल मिलाकर 3,20,000 रुपये का मुद्देमाल पुलिस ने अब तक हस्तगत किया है। इसमें से जो एक नंबर अक्यूज़ है, इसके ऊपर और भी कुछ गुने दाखिल है, जिसमें से तुरभे MIDC पुलिस स्टेशन में 392 का एक ऑफेंस इसके ऊपर दाखिल है, चेन स्नैचिंग का। हम पता कर रहे हैं ACP वाशी और उनकी टीम कि ये गिरोह ने इसके पहले कितने और ऑफेंसेस किए हैं क्या। हमें लगता है कि इसमें से पुलिस कस्टडी में उनको भेजा गया है, तो पुलिस हिरासत में हम और पता करेंगे इन्होंने और कहां कहां ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।